हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11 से। चैप्टर लिया है हमने बाइनोमियल थ्योरम और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तीन नंबर या मैक्सिमम चार नंबर का वेटेज है क्वेश्चन का। इन द एक्सपेंशन ऑफ 1+x की पावर n+1 प्रूव दैट द एक्सप्रेशन इज डिविजिबल बाय 64। अगर सोचिए क्वेश्चन में वाला पार्ट नहीं गिवन होता तो मोस्टली बच्चों कह सकता है कि क्वेश्चन PMI से आया हुआ है। तो अगर आप ये वाला पार्ट नहीं सॉल्व होता तो PMI से सॉल्व किया जा सकता था, लेकिन ऑब्वियसली लिखा है कि आपको 1+x की पावर n+1 का एक्सपेंशन करना है और उस एक्सपेंशन में ये वाला फॉर्मूला फिर डिड्यूस करना है। ठीक है, लेके आना है। तो चलिए मैं वही करता हूँ, बायनोमियल एक्सपेंशन यूज करता हूँ और ये टर्म आपके लिए लेके आता हूँ। तरीका देखिए, अब मैं 1+x की पावर n+1 का एक्सपेंशन करूंगा। ठीक है, अब मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि p+q की पावर n का फॉर्मूला अगर हम एक्सपेंड कर रहे हैं, फॉर्मूला होता है NCR P की पावर N माइनस R Q की पावर R। अगर क्वेश्चन से कंपेयर करें तो यहां पर P मेरे लिए क्वेश्चन के हिसाब से हो रहा है 1 और Q मेरे लिए क्वेश्चन के हिसाब से हो रहा है X और N मेरे लिए क्वेश्चन के हिसाब से हो रहा है n+1। ठीक है, अब देखिए तो एक्सपेंशन करते हैं तो 1+x की पावर n+1 इज इक्वल टू, तो फॉर्मूला है NCR, अच्छा जिसमें सिग्मा आर डिनोट्स 0 टू n, ये बात आपको पता होना चाहिए। देखिए ये बाइनोमियल थ्योरम का एक अच्छा क्वेश्चन है, तो जितने वीडियोस इस पर बन रहे हैं, जितने क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं, तो ये मान के चल रहे हैं कि इसमें आपको बेसिक्स क्लियर है, बस क्वेश्चन आपको बहुत बेहतरीन करके दिखा रहे हैं। ये ना हो कि आपको बेसिक ही क्लियर नहीं है, फिर तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा अब वो NCR, n एक्चुअल में n+1 है, मैं ऑलरेडी यहां पर लिख चुका हूं। CR कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से। NCR P की पावर n-r, क्योंकि P 1 है तो 1 की तो कोई भी पावर रख लीजिए 1 ही आ रहा है, तो मैं P वाला स्टेप लिख ही नहीं रहा। ठीक है, P की पावर n-r लिख नहीं रहे, Q की पावर r, Q x है पावर r प्लस, अब r की एक बार 0 वैल्यू हो चुकी है, अब समेशन कहता है प्लस लगा दो और r की अगली वैल्यू 1 रख लो, फिर समेशन कहता है प्लस लगा दो, r की अगली वैल्यू 2 रख लो, 3 रख लो, 4 रख लो और सो ऑन, कहां तक रख सकते हैं n तक। चलिए नेक्स्ट, तो NCR 1 की पावर फिर कुछ नहीं लिख रहे, Q की पावर R, NCR Q की पावर R और डॉट 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 सॉल्व करते जाएंगे, सिर्फ तीन ही बार सॉल्व करना है आपसे, सिर्फ प्लस लगा के डॉट लगा दीजिए, इतने में आपका आंसर आ जाएगा। वो देखिए कैसे, अब जैसे आप देख सकते हैं यहां लिखा है 9 की पावर n+1। अब थोड़ा सा लॉजिक अगर लग रहा है, अगर सोच के देखिए मैं पुट कर दूं x की जगह 8, ये लॉजिक खुद लगाना है, बताया नहीं जाएगा, आपको समझ में खुद आना चाहिए। अगर यहां मैं x की जगह 8 रख दूं तो 8+1 9, 9 की पावर n+1 आपका तैयार है पहले से। तो ठीक है, पुट x इज इक्वल टू 8, ये हो गया 9 की पावर n+1 इज इक्वल टू NCR C0, मतलब NC0, अब 8 की पावर 0 प्लस NCR 8 की पावर 1 NCR 8 की पावर 2 प्लस और डॉट 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 लगा दिया। अब थोड़ा सॉल्व करते हैं, खोलिए से n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल और 8 की पावर 0 1 लिखने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल और इनटू 8, क्योंकि 8 की पावर 1 इज 8। अगला स्टेप देखिए, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल 8 की पावर 2 और डॉट डॉट, ये लिखा हुआ है n की पावर n प्लस 1, 9 की पावर n प्लस 1, ये कैंसिल आउट हो गया, पूरा 1 बचा, क्योंकि 0 फैक्टोरियल पे 1 ही होता है, तो 9 की पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस, अब ये कितना बचा देखिए, इसको मैंने लिखा n प्लस 1 और n फैक्टोरियल, एक माइनस कर दिया, फैक्टोरियल बोल रहा हूं सिंपल, ये आपको आना चाहिए 8 प्लस, ऐसे देखिए ऊपर कितना बचा n+1 n n-1 और नीचे देखिए कितना बचा n-1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 8 की पावर 2 और डॉट डॉट डॉट। अगला स्टेप देखते हैं, बेसिक्स को आपको इस चैप्टर के सीखने ही पड़ेंगे, वरना इस तरह के बड़े क्वेश्चंस को आप नहीं समझ पाएंगे सर। ठीक है, चैप्टर का बेसिक बहुत क्लियर होना चाहिए ऐसे क्वेश्चनों को समझने के लिए। तो अगला स्टेप देखते हैं, 9 की पावर n+1 इज इक्वल टू 1 प्लस, देखिए ये कैंसिल आउट हो गया और ये 8 दोनों से मल्टीप्लाई हो गया 8n+1,
फिर प्लस, फिर ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा n, n माइनस n, n प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल 8 का स्क्वायर डॉट 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 डॉट, ठीक है ये बताया। चलिए अगला स्टेप देखिए क्या है अपने को, ये ओके ये 10 प्लस 8 नहीं लिखा लगता है मैंने, ये 10 प्लस 8 आ गया, हां ठीक है 8 10 प्लस 8। अब देखिए ना 9 की पावर n प्लस 1, ये हो गया मेरा 8 n, ये हो गया मेरा 9 प्लस 8 स्क्वायर n n प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, छोड़ते जाइए आगे। अगला स्टेप को थोड़ा ध्यान से देखें क्वेश्चन के हिसाब से, ये दोनों ही टर्म आपको आपके एलएचएस में चाहिए। तो देखिए मैंने क्या लिखा, माइनस 8 n माइनस 9 इज इक्वल टू, अब जैसे यहां पर 8 स्क्वायर है, यहां टर्म कुछ भी है जैसे कि n n प्लस 1 बाय 2, तो पक्की बात है अगला टर्म 8 क्यूब वाला होगा फिर कुछ टर्म लिखा होगा, फिर अगला टर्म 8 की पावर 4 वाला होगा फिर कुछ टर्म लिखा होगा, इन सब में से क्या कॉमन आ सकता है, 8 स्क्वायर कॉमन आ सकता है। तो क्या बचा देखिए, n n प्लस 1 बाय 2 फैक्टोरियल प्लस ऐसे ही यहां पर 8 इंटू कुछ बचा, फिर यहां पर 8 स्क्वायर इंटू कुछ बचा और डॉट डॉट डॉट, लेकिन ये आप 64 लिख दिया, ये ब्रैकेट उतार दिया, नाउ मेक दिस एज b एक नया कांस्टेंट दे दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 9 की पावर n प्लस 1 माइनस 8 माइनस 9 इज डिविजिबल बाय 64। बस इतना ही क्वेश्चन में आपको करना है, ये आगे आपको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, ये तो मैंने सिर्फ आपको बताया है तरीका, पार्ट इतना है कि ये वाला एक्सप्रेशन आपको पूरा अपना एलएचएस में लेके आना है और आरएचएस में 64 वाला टर्म कॉमन दिखाना है, और उसके बाद बस सिंस 9 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 8 n माइनस 9 इज डिविजिबल बाय 64 और ये हैंस प्रूफ। तो ये था इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन। हमारे व्यूअर्स को अगर हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप कमेंट शेयर लाइक कर सकते हैं, आप अपना क्वेरी भेज सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी नीचे लिखा हुआ आ रहा है, आप अपना क्वेरी हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी नीचे लिखा हुआ आ रहा है।